दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मुझे अपने वेबसाइट ब्लॉग के अंदर हेडर में वीडियो लगाना हो यूट्यूब का, साइड बार में वीडियो लगाना हो यूट्यूब का, फुटर बार में वीडियो लगाना हो यूट्यूब का, पोस्ट में अगर यूट्यूब वीडियो लगाना हो या पेज में लगाना हो, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या है तरीका वर्डप्रेस साइट के अंदर साइट के किसी भी एरिया में यूट्यूब वीडियो लगाने का तरीका? किस तरह लगाएं? कौन सा फंक्शन फीचर यूज करें? अगर हमें वीडियो का साइज भी अगर घटाना बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएं? जैसे कि हेडर में कुछ साइज रखना हो तो वो कैसे रखें? साइड बार में कुछ साइज रखना हो तो कैसे रखें? फुटर में कुछ और साइज रखना हो तो वो कैसे रखें? तो आज के इस वीडियो में हम आपको साइट के हर एरिया में यूट्यूब वीडियो ऐड करना बताएंगे। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपीयरेंस मिलेगा। अपीयरेंस मिलने के बाद दोस्तों यहाँ विजिट ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो लगाना है यूट्यूब का, वो लगाना है हेडर में, साइड बार में एंड या फुटर में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं या यूजर हैं वो हेडर में लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे यूजर हैं जो साइड बार में लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे यूजर हैं जो फुटर बार में यूट्यूब का वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो तीनों ही तरीके हम बता रहे हैं। तो पहले तरीके हम फुटर में बताते हैं, फुटर में कैसे हम वीडियो लगाते हैं यूट्यूब का। हम यहाँ यूट्यूब को खोल लेते हैं, यहाँ से हम अपने चैनल को खोल लेते हैं, अपने चैनल का वीडियो लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर कोई वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही वीडियो ले लेते, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप विजिट में आएंगे, तो आपको फुटर में लगाना है। तो साइट में आएंगे हम, तो फुटर यहाँ पर तीन है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम भी है, फिफ्थ कॉलम भी है। बस आपको थीम के अंदर इनेबल करने होंगे फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को, है ना। तो थ्री कॉलम इनेबल है, तो थ्री कॉलम में भी वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पर थर्ड विजिट, फुटर का थर्ड विजिट में हम वीडियो ऐड करेंगे, ओके। सिंपल से स्विच पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वीडियो जो विजिट यहाँ पर टाइप करेंगे, वीडियो ये आ गया वीडियो का विजिट, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूआरएल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एम्बेड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो ऐड हो चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फुटर में वीडियो आने लगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जो वीडियो का साइज है इसे हमें घटाना बढ़ाना है, इसका साइज हमको कम ज्यादा करना है, हमें यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी बड़ी करनी है या लंबाई बड़ा करनी है, हमें बड़ा करना है कैसे भी करके, तो वो कैसे करेंगे? तो दोस्तों आपने जो लिंक लिया है आपको ये लिंक को हटाना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर वीडियो को एम्बेड करना होगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को हटाकर आपको एम्बेड कोड की जरूरत है ना, तभी आप वीडियो के साइज को चेंज कर सकते हैं। वैसे कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ी कोडिंग करनी होगी, लेकिन हम एम्बेड कोड लेते हैं वहां पर कोडिंग करेंगे, वहां पर थोड़ी आसानी है हमें। तो हम जाएंगे, कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है यूट्यूब पर आप उसको प्ले कीजिए। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो को ले लेता हूँ, ये मैंने बनाया है 100K वाला, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे किसी एक सब्सक्राइबर एंड यहाँ पर दोस्तों हम जाएंगे शेयर बटन पर, यहाँ पर एम्बेड कोड का फंक्शन होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड मिल जाएगा, है ना। इस कोड को कॉपी करेंगे, कोड कॉपी होने के बाद फिर से जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर विजेट यूज करेंगे HTML, ये है, इस पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एन यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे, तो देखिए ये आ रहा है प्रीव्यू इसका। आपको साइज बड़ा करना है तो HTML को ले लेना है, यहाँ पर साइज है इसका 560 विड्थ और 315 हाइट, हमें यहाँ पर विड्थ करना है 900 और हाइट करनी है 550, ओके। एंड यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देते हैं, तो देखिए दोस्तों वीडियो का साइज बढ़ गया। अगर आपको चौड़ाई और ज्यादा करनी है तो हम यहाँ पर चौड़ाई कर देते हैं 1200, ठीक है। प्रीव्यू पे जाते हैं, ये है, एंड यहाँ पर अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करेंगे ब्लॉग को। ये देखिए यहाँ पर वीडियो लंबाई में ज्यादा होगा, चौड़ाई में ये कम है, तो लंबाई चौड़ाई को हम एक साथ रखेंगे तब जाकर ये सही आएगा। तो HTML पे जाते हैं, हाइट इसकी करेंगे, हाइट इसकी हम कम कर देते हैं और हाइट कर देते हैं हम इसकी 250 एंड प्रीव्यू। तो देखिए एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका साइज कर देते हैं 600, ये देखिए, है ना। और यहाँ अपडेट करेंगे एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर साइज छोटा हो गया।
अगर आपको बड़ा करना है छोटा करना है, यहाँ पर आप साइज चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं साइज रख देता हूँ यहाँ पर 600 एंड यहाँ पर हम रख देते 1000, ये बड़ा साइज हो जाएगा यूट्यूब वीडियो का, ये देखिए है ना। एंड यहाँ पर अपडेट करेंगे एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए वीडियो का यहाँ पर ऐसा रहा। अब दोस्तों आपको मन में चल रहा होगा कि हाइट इसकी ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, तो दोस्तों ये कॉलम में इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है। तो मैं आपको साइज बता रहा हूँ, ये साइज आपको नहीं रखना है, आपको यहाँ पर साइज रखना है 500 और हाइट रखनी है 300, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं जैसा आपको रखना है, ये अब फिक्स आएगा, ठीक है। एंड अपडेट कर देते हैं तो आप इसके साइज को बदल सकते, ये देखिए। अब हम यहाँ साइड बार में आपको लगा के बताते हैं साइड बार में यूट्यूब वीडियो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये कोड को आपको फिर से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर साइड बार विजेट देखेंगे, लेफ्ट में राइट में, मुझे राइट में रखना है तो राइट साइड बार देखेंगे कहाँ पर है, ये है राइट साइड बार। हम प्रेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम एस्टीमेट लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड इसको ऊपर ला देंगे, ठीक। एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक। एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में तो ये लंबाई में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इसका साइज आपको चेंज करना होगा, ये फिक्स नहीं है। हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, 560 है एंड हाइट इसकी, तो हम हाइट कर देंगे इसकी 250 और यहाँ पर कर देंगे 450 एंड प्रीव्यू, अब ठीक है। अपडेट कर देते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। देखिए ये साइज अभी भी थोड़ा यहाँ पर चौड़ाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, शायद चौड़ाई लंबाई ज़्यादा हो गई है। तो एस्टीमेट में जाएंगे, यहाँ पर हाइट कर देंगे इसकी 220 और यहाँ पर 390, ठीक है। एंड यहाँ अपडेट कर देंगे एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ फिक्स आने लगा, ये देखिए। थोड़ा और हमें यहाँ पर चौड़ाई को बढ़ाना होगा तब जाकर ये फिक्स आएगा, नहीं भी कट रहा है ये। तो यहाँ पर चौड़ाई कर देते हैं 410 और इसे कर देते हैं 200, फिर भी अब सही आ रहा है, ठीक है। ये आ गया पूरा थंबनेल एंड अपडेट करेंगे, ये देखिए ये फिक्स आ गया है ना। तो ये भी आप लंबे में कर सकते हैं, ठीक है, जैसा फिक्स करना आप वैसा कर सकते हैं। अब बात आती है हेडर में, हेडर में कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप हेडर में भी लगा सकते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडर का ये है, प्लस पर क्लिक करेंगे, कस्टम एस्टीमेट पर जाएंगे और यहाँ हेडर पर कर देंगे, यहाँ पेस्ट करना है बस आपको और अपडेट कर देना है और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये हेडर में वीडियो आ जाएगा, ये देखिए। आपको लग रहा है कि इसकी मुझे चौड़ाई बढ़ानी है, होते हैं ऐसे ऐसे यूजर जो पूरे उसमें वीडियो चाहिए होता है उनको पूरे डिस्प्ले पर, तो यहाँ पर आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इसकी, विद आप कर सकते हैं इसको 1200, अपडेट कर सकते हैं 1200, यहाँ पर 1200 चौड़ाई हो जाएगी इसकी, ये देखिए है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से आप हेडर, साइड बार और फुटर में वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट और पेज में करनी है वो कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जाएंगे हम ऑल पोस्ट के अंदर, हम पोस्ट में अगर करना चाहें तो ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइटल डाल देंगे माई यूट्यूब वीडियो, इस पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे HTML ये है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एम्बेड कोड को, प्रीव्यू जाएंगे, देखिए ये। अगर आपको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं आप पेज के अंदर, तो आप इसको कितना बढ़ाना चाहें, जैसे मैं इसको करना चाहूँ 1500 करना चाहूँ और इसको कर देता हूँ मैं 950, ये देखिए ये वीडियो आ गया है ना। आपको जितना साइज रखना है उतना आप रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर पब्लिश कर देते इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो यहाँ पर कैसा है, दिख रहा है, ये देखिए ये वीडियो आ रहा है, ये पोस्ट में हो गया। साइज कम करना है तो बस आपको साइज यहाँ से कम कर देना है जितना आपको रखना है, जैसे कि मैं साइज रख देता हूँ 450 और यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। एंड प्रीव्यू एंड अपडेट एंड या रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। तो इसका जो पोस्ट है वो शायद वो उसका साइज इतना आ रहा होगा, ये कुकीज का इशू है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पोस्ट में भी आपको बता दिया, अगर आपको पेज में आपको इंसर्ट कराना हो वीडियो तो कैसे कराएंगे, तो आपको यहाँ पर पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस में जाना है, यहाँ पर आपको पेजेस ले लेना है। अगर आप इनमें डालना तो इनमें भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर टाइटल डालिए वीडियो का, कोई भी आप डाल सकते हैं टाइटल, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब वीडियो एंड यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम HTML लेंगे, ये है,
और वही वीडियो ले लेंगे जो है ये, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पेज में भी हमने YouTube वीडियो डाल दी, एंड यहाँ पब्लिश कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे पेज को, नीचे आएंगे, ये पेजेस है YouTube वीडियो का, ये पेज आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से आप वीडियो डाल सकते हैं YouTube का अपनी साइट के अंदर। आप फुटर में डाल सकते हैं, साइड बार में डाल सकते हैं, हेडर में डाल सकते हैं, पोस्ट और पेज में भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।